बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के लाखों घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के आदेश के बाद अब लाखों अनरजिस्टर्ड अटके पड़े प्रोजेक्ट के घर खरीदार रेरा में सीधे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए कोर्ट ने रेरा को 15 अगस्त तक की मोहलत दी है, जिसके अंदर उनको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। इससे वो घर खरीदारों की शिकायतों को भी सुन सकेंगे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तकरीबन 3 लाख घर खरीदारों को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद अब उन प्रोजेक्ट्स का भी महारेरा में सुनवाई होगी जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। कोर्ट ने महारेरा को सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 15 अगस्त तक की मोहलत दी है। इसके बाद रेरा को घर खरीदारों की शिकायतों का निपटारा करना होगा। जिनका सोसाइटी नहीं बना, किसी लोगों का अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, फिर कई लोगों का लीकेज है, बिल्डिंग अच्छे तरह से बनाया नहीं है, डिफेक्टिव क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन, ये सब लोग अभी महारेरा में आके कंप्लेन कर सकते हैं। मुंबई के तकरीबन 50,000 और महाराष्ट्र में 2.5 लाख ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो महारेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। इसकी वजह से इनकी शिकायत नहीं सुनी जाती थी, जिससे घर खरीदार काफी परेशान थे। घर खरीदार अब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के अलावा दूसरी दिक्कतों को लेकर महारेरा में शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। याचिकाकर्ता और उसके वकील कोर्ट के इस आदेश को घर खरीदारों की जीत बता रहे हैं। अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के भी कंप्लेन अभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट जैसे लिए जाएंगे और उसको मेरिट्स पे सुन के वो कंप्लेंस डिस्पोजल लेंगे। इससे बहुत बहुत लाखों लोगों को फायदा होगा और लाखों लोगों के घर के लिए उनको ये रेरा का बेनिफिट लेने मिलेगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद उन तमाम अटके पड़े प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी है, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों घर खरीदार अपने लिए भी राहत के तौर पर देख रहे हैं। रेरा के आने के बाद रियल स्टेट मार्केट में एक पारदर्शिता आई, मगर अब भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे में अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स में किसी तरह की कोई दिक्कत आती थी तो रेरा उसकी शिकायत नहीं लेता था, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब ऐसे प्रोजेक्ट्स की शिकायत भी आप रेरा के वेबसाइट पर कर सकेंगे। इससे होम बायर्स को एक नई ताकत मिलेगी। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई।